हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वाटर सपोर्ट चैनल। और ये देखिए केंट का यूवी ब्लास्ट माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर। और हल्का सा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लास्टिक पिघल गया है, येलो कलर का हो गया है। अब इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो पिन है यहाँ पे ब्राउन कलर का हो गया है, तो यहाँ पर प्ले कर रहा था जिसके कारण। इसको हम पहले लगा लेते हैं। और ये देखिए इधर जो उभरा हुआ भाग है वो जाता है इसके अंदर में, तो इसको हम ऐसे ही लगा देंगे। अब देखिए लगाते हैं इसको पहले, और ये लग चुका है। और इधर से अब मुझे देना है इसमें पावर, तो ये रहा उसका सॉकेट। ये लो प्रेशर स्विच का है, इसको हम प्लग करते हैं। देखिए प्लग करने के बाद इससे रेड लाइट आ गया और यूवी भी ग्लो कर रहा है। इधर से आपको लाइट दिख रहा होगा दोनों साइड में। और देखिए एस भी लगा हुआ है, पंप अभी ऑन नहीं हुआ है। और ये अपनी स्थिति में देखिए ऑन नहीं हो रहा। अब इसका क्या कारण है, और अभी इसको हिलाने डुलाने पर भी अभी कुछ नहीं हो पा रहा। थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया मैं सिस्टम को। और देखिए इससे हल्का सा ग्रीन कलर का लाइट आया है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। पम्प भी अभी तक ऑन नहीं पाया, जबकि पम्प का कनेक्शन किया हुआ है देख सकते हैं। और ये सोलनॉइड बल्ब का कनेक्शन, लेकिन अभी तक पम्प मेरा ऑन नहीं हुआ, जबकि ये अभी ऑन अवस्था में है। इसको मैं अगर ऐसे करूँगा तो क्या होगा, सॉरी देखना है, अभी पता नहीं चलेगा। अभी सिर्फ ये रेड हो गया, सो क्लियर हो पा रहा, यानी ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो ये ड्राई सोल्डिंग होने की वजह से होता है, ये सही से जब कनेक्ट नहीं होगा उसके वजह से होता है। ये पंप ऑन होना चाहिए, जब तक पंप ऑन नहीं होगा पानी नहीं आता है सिस्टम में। और देखिए यूवी से भी लाइट चला गया है, थोड़ा देर पहले यूवी से लाइट आ रहा था। तो ये सारा प्रॉब्लम है इसमें। और आप देखिए एक ही जो ये ब्राउन था सिर्फ उसी को मैंने अभी कट किया है, और इसमें से मैं एक वायर घुसा करके और इस तरफ इसको मैं सोल्डिंग करने का कोशिश करता हूँ। और आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली सोल्डिंग हो चुका है। और अब मैं देखता हूँ इसको इसमें इंसर्ट करके, इसके लिए इधर का जो एक जो सॉकेट है इसको भी मुझे कट के आना पड़ेगा। और देखिए मैंने कट कर दिया है। अब मैं देखता हूँ इसको इसमें इंसर्ट करके। और अब मैं इस
यूवी वाले वायर को भी इंसर्ट कर देता हूँ। और फिर से इसमें मैं देता हूँ पावर, और देखिए अब मैं इसमें पावर देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। और आप देख सकते हैं इसमें रेड एलईडी आ गया है, और ये यूवी लैंप भी अभी ग्लो कर रहा है। और आप देखिए अब ये पंप प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और एसवी से भी खट से आवाज़ आई है। इससे अगर मैं करके दिखाऊं तो आपको ग्रीन नज़र आएगा, और ये पंप चल रहा है अभी। फिर से मैं इसको ऑफ़ करके और ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए रेड कलर का इंडिकेशन आया, और इससे खट से आवाज़ आएगा कुछ देर में। देखिए इस एसवी का आवाज़ था, और ये ग्रीन कलर का लाइट जाने लगा, और पंप और एसवी ये बिल्कुल अभी प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस ढंग से जो भी ड्राई सोल्डिंग होगा उसको आप सोल्डिंग करके आप तत्काल अपना काम निकाल सकते हैं।